अस्सलाम वालेकुम। शिम्स किचन में आज हम करते हैं चिकन फ्राई। आज आपको दिखाएंगे हम चिकन फ्राई बनाना। तो कुछ इसकी रेसिपी कुछ यूँ है। तो हमें इसके लिए चाहिए धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, पीली मिर्च पिसी हुई, क्योंकि मेरे पास है इसलिए मैं वही डालूंगी, थोड़ी सी गरम मसाला पिसा हुआ। इसके लिए चाहिए हमें कसूरी मेथी, मैदा 2 बड़े चम्मच, काली मिर्च पाउडर और 1 अंडा, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला एवरेस्ट का और एवरेस्ट का तंदूरी चिकन मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो आइए हम करते हैं इसकी तैयारी। हम अपना चिकन डालेंगे, तो आइए अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें अंडा, 2 चम्मच भरकर मैदा। मैदा इसको अच्छे से बाइंड करेगी। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 नमक। नमक हम कम डालेंगे क्योंकि हमें चाट मसाले में भी हमारे नमक होगा और तंदूरी मसाले में भी होगा। धनिया, धनिया में कोई कंजूसी नहीं, धनिया हम 2 बड़े चम्मच डालेंगे, 2 से 3 बड़े चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च हम फूड कलर भी डालेंगे लेकिन वो हम कम डालेंगे। हमारा कश्मीरी लाल मिर्च से ज़्यादा अच्छा कलर आएगा। हल्दी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, मैं थोड़ी सी डालती हूँ। लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, थोड़ी कुटी लाल मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट का 1 चम्मच, थोड़ा सा चाट मसाला, चिकन मसाला, मेथी। मेथी को हमें इस तरीके से हाथ से क्रश कर लेना है। इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। थोड़ा फूड कलर और अब इसका अच्छे से हम मैरिनेशन कर लेंगे। तो देखिए हमने इसमें मसाला लगा दिया है, जैसे हम कट लगा देंगे। इसमें अच्छे से मसाला बैठ जाएगा और अंदर तक फ्राई होगा। ऐसे 3 कट लगा देना है हमें अपने सारे पीसेस पे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, उसको और अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं मैरिनेशन करके, इससे बहुत अच्छा और स्वाद आता है। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं इसको 2 घंटे पहले तैयार करके रख रही हूँ। गाइस देखिए हमारा चिकन तैयार है। क्योंकि मेरे पास ये फिल्म रैप है, मैं इसकी मदद से इसको ढककर रख दूँगी। तो देखिए मैंने इसको फिल्म की मदद से इसको रैप कर दिया है। आप चाहें तो फॉइल पेपर से भी रैप कर सकते हैं। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 2 घंटे हो गए। चलिए आइए देखते हैं हम इसको फ्राई करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गाइस कितना अच्छा अंडे और मैदे से कितना अच्छा बाइंड हुआ है। बस अब हम इसमें उतने ही चीज़ डालेंगे ताकि ये अच्छे से फूल के अच्छे से फ्राई हो जाए। हम इसको ऐसे चीज़ें से ऐसे हिसाब से पलट देंगे, दोनों साइडों को अच्छी तरीके से कुक हो जाए। देखिए ये हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे ये कढ़ाई में से निकालते हैं बाहर। कितना अच्छा कलर आया है, अंदर से पूरे जूसी हो रहा है। तो देखिए गाइस कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं। आप भी इस रमज़ान अपने घर में चिकन फ्राई कर लीजिए मेरी स्टाइल से।